हाय, गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आप सब कैसे हो? आशा करती हूँ आप सब बहुत ही अच्छे होंगे। ये संडे मॉर्निंग का ब्लॉग है, तो संडे हम लोग लेट उठते हैं, 8 बज गए थे। तो अभी मैं उठ के मेरे प्लांट में पानी दे रही थी, अभी मैं आ जाऊँगी किचन में। और यीशु सो रहा है, यीशु के लिए मुझे रागी परेज बनाना है। तो उसके लिए मैं रागी, मतलब उड़ीसा में उसको मांडिया बोलते हैं, बस रागी को धो के मैंने ड्राई कर दिया था, सुखा दिया था, उसके बाद मैंने पीस के और उसका पाउडर बना के रखी हूँ। और यहाँ पे मैं ड्राई फ्रूट्स, काजू और आलमंड और थोड़ा सा किशमिश, 4-5 ऐसे करके ले लूँगी। और यहाँ पे मैं रागी को रोस्ट कर रही हूँ। और हमको चाहिए 1/2 ग्लास पानी और 1/2 ग्लास दूध। अभी अच्छे से रोस्ट हो जाएगा और स्मेल भी आएगा, अच्छा स्मेल आएगा रागी का। और रागी तो बहुत अच्छा फूड है, रागी परहेज आप सुबह सुबह मॉर्निंग में खाली पेट बच्चों को दोगे या आप खाओगे, बहुत आयरन, कैल्शियम, प्रोटीन सब कुछ रहता है उसके अंदर, बहुत सुपर ब्रेकफास्ट है ये। तो अभी मैं डाल दूंगी उसमें पानी। पानी डालने के बाद उसमें मैं अभी डालूंगी दूध। जो बच्चे दूध नहीं पीते हैं उनके लिए बहुत ही अच्छा है, मतलब आप सुबह सुबह इसको खाली पेट ही दो, मैं तो सजेस्ट करूँगी उसको खाली पेट ही दो, मतलब ब्रेकफास्ट में बहुत ही अच्छा रहेगा। तो अभी मैं इसको ट्रांसफ़र कर दूँगी और एक जगह ठंडा करने के लिए। अभी आज मैं बनाऊँगी हम दोनों के लिए कोरियन सैंडविच। ये बहुत ही अच्छा और हेल्दी सैंडविच है, इसमें कैल्शियम भी आ जाता है, प्रोटीन भी आ जाता है और मिनरल्स भी आ जाता है। और इसमें मैं मिनरल्स इसलिए वेजिटेबल्स है, और प्रोटीन एग से मिलता है और चीज़ से कैल्शियम मिलता है। ये बनाते बनाते यीशु उठ गया था, तो मैं यीशु के पास चली गई थी। अभी ये बेड को थोड़ा ऑर्गेनाइज कर दूंगी, बेडशीट वगैरह फोल्ड कर दूंगी और यसु को भी ब्रश करवा दूंगी। अभी उसको रागी परिजे के साथ बनाना देना है मुझे ब्रेकफास्ट में। और यसु को मैं जब भी खिलाती हूँ, मतलब फ़ोन दिखाती नहीं हूँ, ऐसे उसके साथ बातें करती हूँ, बुक्स दिखाती हूँ, ऐसे करके उसको खिला देती हूँ, ब्रेकफास्ट हो या लंच हो। क्योंकि खाने के टाइम में या ब्रेकफास्ट के टाइम में बच्चे को एंजॉय करना चाहिए, मतलब उसको फूड के बारे में सब पता होना चाहिए। तो मोबाइल देखेंगे तो वो डाइवर्ट रहेंगे मोबाइल में, तो खाना जो भी खा रहे हैं उनको कुछ पता भी नहीं चलेगा, टेस्ट भी वो लोग नहीं जान पाएंगे, इसीलिए मैं नहीं करती हूँ ऐसे। यीशु का ब्रेकफास्ट हो गया था, अभी मैं किचन में आ गई। तो अभी मैं बनाऊंगी हमारे लिए कोरियन सैंडविच। मैं एग ले लूँगी, अभी एग लेने के बाद मैं उसमें डालूँगी नमक, और नमक थोड़ा ज़्यादा डालूँगी क्योंकि वेजिटेबल्स ले रही हूँ, तो वेजिटेबल्स के लिए भी थोड़ा नमक डालूँगी। तो अभी करके वेजिटेबल्स सब डाल दूंगी उसके अंदर जितना चाहिए, और ज़्यादा चाहिएगा तो मैं बाद में भी डाल सकती हूँ, लेकिन मुझे ज़रूरत पड़ गई सब तो मैंने ले ली। अभी ब्रेड को भी मैं बटर लगा के टोस्ट कर दूंगी। अभी थोड़ा सा ऑयल डाल के और मैं बना दूंगी, मोटा सा आमलेट बनाना है मुझे तो मैं बना लूंगी। और मेरा आमलेट टूट भी गया है, तो अभी देखिए मेरे टोस्ट हो गया है ब्रेड। अब उसको ऐसे ट्रायंगल जैसा मैं रख रही हूँ क्योंकि वो स्वेट होके सॉफ्ट हो जाएगा। और यहाँ पे मैं पिज़्ज़ा कटर में मेरा हो गया था तो मैं कट कर ली स्क्वायर साइज। और अभी देखिए ब्रेड के ऊपर मैंने रख दूंगी ऐसे करके, बहुत टेस्टी लगता है और डेकोरेटिंग बहुत लगता है ऐसे करके। आप खाओगे तो चीज़ डालना है और उसको ऐसे पलट देना है, और उसके ऊपर और एक ब्रेड रख के अब उसको बीच में मैं कट कर दूंगी। और हो गया हमारा सैंडविच, अभी मैं हस्बैंड को ये दे दूंगी क्योंकि
क्योंकि लंच भी थोड़ा हैवी था, मतलब लंच हम हैवी करेंगे तो इसलिए लाइट ब्रेकफास्ट लिए थे। और ये मेरे लिए मैं बना रही हूँ, मैं खा लूँगी। और थोड़ा बहुत बर्तन भी हो गया था सुबह से, अभी उसको अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। अभी हस्बैंड लाए थे पाम्पलेट और उसको भी साफ़ करके रख लूँगी। अभी टाइगर प्रॉन भी आया था तो उसको भी अच्छे से साफ़ करके रख दूँगी। और ये मुझे तंदूरी बनाना है इसीलिए मैं साइड में रख दूँगी, बाद में बनाऊँगी। अभी मैं अच्छे से उसको, बहुत बड़ा बड़ा था टाइगर प्रॉन, और उसको अच्छे से साफ़ करके मैं रख लूँगी। और आप, मतलब मैं ऐसे ही कट करती हूँ, घर में जब भी आता है टाइगर प्रॉन ऐसे कर लूँगी, उसके आईज में ही कट करके और उसकी हेड में ये सब निकलता है, मतलब इसको भी निकाल दूँगी, ये डिस्कार्ड कर दूँगी, ये नहीं खाना चाहिए। कुछ कुछ चीज़ होते हैं हमको पता नहीं चलता है, लेकिन करना पड़ता है, धीरे धीरे करोगे तो सब कुछ मतलब हो जाता है। यहाँ पे देखिए, और यहाँ पे इसके जो काले देखिए धागा जैसे निकला ना, ये कोलेस्ट्रॉल हो जाता है, इसको हम लोग नहीं खाते हैं, मैं निकाल देती हूँ इसको। अभी मैं हल्दी और नमक डाल के अच्छे से मिक्स कर लूँगी प्रॉन के साथ, और उसके अंदर भी अच्छे से फिंगर डाल के और सारे हल्दी और नमक उसके अंदर में डाल दूंगी अच्छे से, सारे फील कर दिया मैंने। एक छोटा सा भी आ गया था उसके अंदर यीशु के लिए। अभी प्रॉन मैरिनेट हो रहा है तो अभी मैं पैन में थोड़ा डालूंगी मस्टर्ड ऑयल, और सारे प्रॉन को मैं अभी अच्छे से फ्राई करूंगी ऑयल में। देखिए कितना रेड रेड लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे आज मलाई प्रॉन करी बनाना है तो इसीलिए अच्छे से उसको अच्छे से रेड रेड दिखना जरूरी है, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है रेड रेड प्रॉन, तो सब निकाल के रख दूंगी। और यहाँ पे थोड़ा सा ऑयल और भी डाल के, और दूसरा जो भी था बचा था उसको भी मैं डाल दूंगी। अभी यहाँ पे मुझे दाल बनानी है तो मैं दाल के लिए ऑयल, थोड़ा सा जीरा और ऑनियन और ग्रीन चिली। ग्रीन चिली मैं ज़्यादा नहीं डालती हूँ क्योंकि यशु भी खाता है, लेकिन थोड़ा बहुत तीखा देना चाहिए बच्चों को, हमारे जैसा तीखा नहीं खाना चाहिए बच्चों को, लेकिन थोड़ा बहुत तो खाना चाहिए क्योंकि ये बहुत प्रॉब्लम हो जाती है बाद में, बच्चे तीखा नहीं खा पाते हैं। तो यहाँ पे मैं टमाटर डाल के और उसको अच्छे से पका दूंगी। पकाने के बाद मैं दाल धो के रखी थी, ये हरहर दाल है तो इसको डाल के फिर नमक हल्दी और कोरिएंडर लीव्स डाल के 2-3 मिनट के लिए ऐसे उसको चला लूंगी। चलाने के बाद फिर मैं पानी डाल दूंगी, दाल के हिसाब से 2 सीटी तक मैं उस दाल को पकाऊंगी। और दाल अच्छे से हो गया है, मिक्स हो गया है मसाले के साथ, अभी मैं पानी डाल दूंगी। अब ये प्रॉन जो पकाया था सेकंड का वो भी हो गया है तो अभी उसको भी मैं निकाल दूंगी। और मलाई प्रॉन करी के लिए जो जो चाहिए सब यहाँ पे मैं रखी हूँ। तो यहाँ पे ओनियन पेस्ट और दही विदाउट लम्प्स, और ये कोकोनट मिल्क और अदरक लहसुन और हल्दी, रेड चिली पाउडर, गरम मसाला, नमक और ग्रीन चिली, 3 मैंने लिया है। और ये कोकोनट का जो मिल्क था उसका पानी, ये हमको चाहिए, मसाला जब हम भूनेंगे तब डालेंगे, पानी नहीं डालेंगे मसाले जब भूनेंगे। तो यहाँ पे मैं 4 स्पून जैसा ऑयल ले लूंगी, ऑयल को अच्छे से गर्म होने दूंगी, फिर मैं डाल दूंगी तेज पत्ता और गरम मसाला। आप खड़ी गरम मसाला भी यूज कर सकते हो। फिर हम डालेंगे ओनियन का पेस्ट, तो अच्छे से ओनियन का जो पेस्ट में जो पानी होता है उसको अच्छे से, वो जब अच्छे से गल जाएगा तो फिर हम डालेंगे हल्दी। मैं डाल दूंगी हल्दी और रेड चिल्ली पाउडर, अभी ग्रीन चिल्ली, ग्रीन चिल्ली से बहुत अच्छा फ्लेवर आता है। और ये करी कोलकाता की फेमस है,
बंगाली लोग बहुत खाते हैं। अभी मैं डाल दूंगी अदरक लहसुन का पेस्ट, 2 स्पून मैंने डाल दूंगी। अभी मैं जो नारियल का पानी था, मतलब मिल्क का पानी था, नारियल मिल्क का पानी, वो मैं धीरे धीरे करके डालूंगी। और जब भी मुझे पानी की ज़रूरत पड़ेगी मैं वही डालूंगी। उसमें बहुत ज़्यादा टेस्ट पड़ता है मलाई प्रॉन में, तो आप देख सकते हो मैं कैसे डालती हूँ, ऐसे ही डाल लूंगी। आप भी ऐसे करना। और ये दही विदाउट लॉम्स, और मैं सिम कर दूंगी, लो फ्लेम कर दूंगी क्योंकि दही फट जाएगा। तो अभी करके स्लो फ्लेम में उसको अच्छे से मैं मसाले को भून लूंगी। अभी उसको ढक लूंगी, 2-3 मिनट के लिए ऐसे ढक के मैं उसको पकाऊंगी। फिर देखिए अभी हो गया है, थोड़ा बहुत अभी ऑयल भी आ रहा है मसाले में, और भी थोड़ा हमको करना है, मैं कर लूंगी। अच्छे से मसाला भुनेगा तो टेस्ट अच्छा आएगा करी में, तो इसलिए पेशेंस के साथ मसाला भुनना चाहिए। तो मैं बहुत पेशेंस के साथ करती हूँ, खाना है तो मुझे करना भी है अच्छे से, तो ऐसे करके मैं बनाती हूँ, मन से बनाती हूँ। अभी देखिए कितना रेड रेड कलर हो गई है मेरी करी, बहुत सुंदर लग रहा है। अभी मैं उसमें डाल दूंगी, अभी हो गया है मसाला तो मैं डाल दूंगी सारे प्रॉन डाल के, जो थोड़ा सा बचा था कोकोनट मिल्क मैं डाल दूंगी, पानी कोकोनट मिल्क का पानी वो डाल के फिर अच्छे से 2-3 मिनट के लिए करके, फिर जो कोकोनट का मिल्क एक्चुअल मिल्क था वो मैं डाल दूंगी डाल के, फिर उसको नमक डाल के उसके अंदर टेस्ट के हिसाब से नमक डाल दूंगी मैं। फिर उसको ढक के 15 मिनट के लिए पकाना है हमको स्लो फ्लेम में। और अभी देख सकते हो आप कितना अच्छा बना है और बहुत टेस्टी था। आप घर पे बनाओ और खाओ, बहुत ही टेस्टी लगेगा ये। तो यहाँ पे लंच बनाने के बाद मैं शावर ले ली थी, बहुत गर्मी है इधर, पसीना पसीना हो जाते हैं सब, तो शावर लेके फिर हम लोग खाना खा लिए थे। फिर खाना खाने के बाद हम लोग चले गए थे यसु के हेयर कट करवाने के लिए, और वो वीडियो मैंने यहाँ पे नहीं ऐड किया है, बाद में डाल दूँगी, और एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में डालूँगी। आपको ये वीडियो अच्छा लगा है प्लीज़ लाइक शेयर एंड कमेंट, सब्सक्राइब करना प्लीज़। फिर आपके साथ मुलाकात होगी फिर और एक वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तो बाय बाय, टेक केयर, स्टे सेफ।